दिन की शुरुआत होते ही सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। कोई अपने बैलों के साथ है और कोई कुछ कर रहा है। तो देखिए भाई, सामने से पूरा मौसम आज भी पूरा धुंधी धुंध छाई है। तो ये आग लगी थी ना, उससे पूरा आसपास के गांव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी मौसम पैक है। क्या है नाखून? देखो ये देखो ये बुआ को भाई मैं दुकान पे। अब धीरे धीरे लोग खेतों से सरसों निकाल रहे हैं अभी, और कुछ ही दिनों में गेहूं पे भी बाली आ गई है, तो गेहूं भी पक जाएंगे। अब इस बार फसल तो उस हिसाब से कुछ खास हो नहीं रखी है। तो अब आज दिखाई दिया ये कई सदी। यहाँ की हर ऐसे ही अनाज होता था पहले। इधर घर से बाहर निकलती हुई सुबह सुबह सामने से काफी धुंध लगी है। अब सामने से हाँ पहाड़ी से काफी बादल लग रहे हैं आसमान में, और इधर से तो काफी धुंध भी लगी है। तो देखना होगा कि आज बारिश आती कि नहीं आती। मौसम अब देखो भाई, मकान में जो काम मकानों के काम लगे थे ना, उनमें अब छत पड़ने की तैयारी है। एक यहाँ पे एक ऊपर में है, और यहाँ भी नीचे फाउंडेशन पड़ गई, और यहाँ भी लेंटर की तैयारी है। तो सब मकानों में लगभग तैयारी है लेंटर की। अब सुबेदार की सवारी आ गई भाई यहाँ पे। मनोज जी आज तैयारी है ऋषिकेश जाने की। ऋषिकेश ना मेरे को जानो करूर करूर नंदा देवी। माल पहना जी और ठेकेदार जी करते हो भाई काम गिस निकल लो अबे आप तो है ये है जोशी जी की ट्रॉली भाई। जोशी जी की स्वदेशी ट्रॉली भाई, ये देखो ट्रॉली बना रखी है इसमें, खाली पर आते हैं डाल लो। उसके बाद क्योंकि हाइट में है ना काफी, तो यहाँ के लिए कुछ व्यवस्था करनी, तो इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी। जुलटा नहीं हुई मसूद की ये, वो डीप मचू डीप से बहस ना हुआ था कभी तक। तो एक आदमी नीचे से पकड़ेगा। चलो जी, एक बार फिर मौसम चेंज हो गया है और आज बारिश आ गई है। अभी बारिश लगी जा रही है। सामने तो काफी तेज बारिश लगी है भाई, सामने वाले गांव में, और यहाँ भी हल्की हल्की बारिश लगी है। और हमारे मोटो भाई के बैल भी आ गए अब जंगल से। और फाइनली जिस चीज का इंतजार था लोगों को, बारिश आ गई है फिर से। हम्म,
शाम के 6 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ अपने सेंटर पे और अब बाहर भी काफी अंधेरा हो गया है। तो आज तो बारिश का मौसम भी है तो लोग भी अब नहीं लग रहा है कि आएंगे, तो मैं भी चलता हूँ अपने घर की ओर।